बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन इलाके के बदायूं मुरादाबाद हाईवे स्थित ITI कॉलेज के पास तेज रफ्तार DCM और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। यूपी के कौशाम्बी जिले में मंजनपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में प्राइमरी विद्यालय परिसर में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भीड़ से युवक को बचाया। इसके बाद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना मंजनपुर क्षेत्र में एक बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, ओरल दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। गाँव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया है और मथुरा में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण गुरुग्राम अस्पताल में भर्ती होने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने इस महामारी से जंग जीत ली। संक्रमण से उबरने के बाद महंत नृत्य गोपाल दास अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके रामनगरी अयोध्या पहुंचने के बाद फिर से भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम गति पकड़ेगा। यूपी के जालौन में एक निजी कार्यक्रम में आए छोटे राहत इंदौरी ने कहा कि देश ने एक अनमोल रत्न खो दिया है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि कानपुर निवासी मुशीर आलम उर्फ छोटे राहत इंदौरी एक कार्यक्रम में आए थे, जहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। 8 वर्षीय मुशीर राहत इंदौरी के जबरदस्त फैन हैं और उन्हीं के अंदाज में शेर व शायरी पढ़ते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई गर्दन में, यहां सिर्फ मेरे ही मकान थोड़ी है, मेरे मुंह से निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। लगे ये मिट्टी में सबका खून है शामिल, यहाँ सिर्फ ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।